अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अज़ीम और जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक HP का लैपटॉप जो कि मैंने रिसेंटली बाई किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बना के इसका लैपटॉप का एक रिव्यू भी कर दिया जाए, ताकि आप लोगों में से अगर कोई गेमिंग लैपटॉप, एक्चुअली ये गेमिंग लैपटॉप है, बजट गेमिंग लैपटॉप, तो अगर आप लोगों में से कोई गेमिंग लैपटॉप में इंटरेस्टेड है बाई करने में तो उसकी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो चलिए हम सबसे पहले एक लैपटॉप के बॉक्स से शुरू करते हैं। ये है जैसा कि आप देख सकते हैं लैपटॉप का बॉक्स, जो कि पाकिस्तान में सो कॉल्ड न्यू लैपटॉप जो है वो इसी किस्म के तकरीबन मिलते जुलते बॉक्स में आते हैं। इसमें कोई ना कोई ब्रांडिंग हुई हुई है, ना ही किसी किस्म का कोई मॉडल की लेबलिंग है, बस एक सिंपल सा बॉक्स है। तो इसको हम पहले ओपन करते हैं यहाँ पर और देखते हैं इसमें क्या क्या एक्सेसरीज मौजूद हैं और लैपटॉप के साथ क्या क्या हमें मिला है। मैंने बॉक्स में से लैपटॉप को जो है वो बाहर निकाल लिया और हमारे पास सिर्फ एक अदद चार्जर है और एक इस कंडीशन में हमारे पास लैपटॉप हमें रिसीव वो इसमें है और इसमें कोई किसी किस्म की कोई बुकलेट वगैरह और किसी किस्म का कोई वो नहीं है। तो सबसे पहले हम जो है वो चार्जर पे जो है वो देख लेते हैं इसका चार्जर जो है वो किस किस्म का आता है। तो ये है हमारी डाटा केबल जो कि काफ़ी सॉलिड किस्म की और इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लग रही है और इसके अंदर एक अर्थ केबल भी मौजूद है। और इसके अलावा हमारे पास ये है हमारे पास है चार्जर जो कि सबसे खूबसूरत चार्जर HP का मुझे अब तक लगा है, जो कि बिल्कुल एक पावर बैंक की तरह जो है वो बनाया गया, ऐसा लगता है कि जैसे कोई पावर बैंक है। और इसके ऊपर इसकी स्पेसिफिकेशन भी लिखी हुई है, ये कितने वॉट का है, ये तकरीबन 135 वॉट का चार्जर है। तो दोस्तों, हमने इस लैपटॉप को जो है वो पैकिंग से बाहर निकाल लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं ये लैपटॉप जो है वो दिखने में जो है वो बिल्कुल किसी गेमिंग लैपटॉप की तरह नहीं दिखता, तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल लैपटॉप की तरह जो है वो दिखने में लगता है। तो इस लैपटॉप का जो मॉडल है वो मैं आपको बताता चलूँ, ये है HP पिविलियन गेमिंग सीरीज़ 15 इंच में का लैपटॉप है ये। तो इसका मैं आपको जो है वो ओवरऑल लुक जो है वो अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही स्लीक सा लैपटॉप है, जस्ट लाइक अ नॉर्मल लैपटॉप, मतलब ये कहीं से भी देखने में गेमिंग लैपटॉप जो है वो नहीं लगता। और इसकी अगर हम पोर्ट्स की बात कर ली जाए तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे एक 3.5 का ऑडियो जैक मौजूद है, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ईथरनेट की एक पोर्ट मौजूद है, उसके बाद हमारे पास फुल साइज़ HDMI केबल मौजूद है, उसके बाद हमारे पास एक USB 3.0 की पोर्ट मौजूद है, उसके बाद हमारे पास है USB टाइप सी की पोर्ट है, और उसके बाद हमारे पास ये है चार्जिंग पोर्ट। तो दोस्तों, इस लैपटॉप की जो सबसे जो खूबसूरत चीज़ है वो ये आप जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो इसकी ब्लैक साइड पे जो ये जो ग्रिल लगाई गई है, ये बेसिकली जो है वो थोड़ी सी गेमिंग लैपटॉप्स को जो है वो टच करती है। गेमिंग लैपटॉप्स में इस तरह की जो ग्रिल जो है वो लगाई जाती है। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये बैक साइड से जो है वो ज़्यादा बेटर लगता है दिखने में और एक किस्म का एक गेमिंग लैपटॉप का जो है वो लुक देता है। और यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं आप पिविलियन की ब्रांडिंग हुई हुई है। उसके अलावा हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जो पोर्ट्स हैं उसको देख लेते हैं। लेफ़्ट साइड पे जी हमारे पास जो पोर्ट्स मौजूद हैं वो हैं 2 USB 3.0 और उसके अलावा हमारे पास एक यहाँ पर है एक फुल साइज़ की मेमोरी कार्ड की स्लॉट मौजूद है। तो लैपटॉप को चलिए ओपन करते हैं और देखते हैं अंदर से इसमें कैसा लगता है। तो दोस्तों, ये है हमारा लैपटॉप का अंदर से लुक और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें स्पीकर जो हैं वो बिल्कुल एक न्यू डिज़ाइन से बनाए गए हैं, जिसकी वजह से जो है ये एक यूनिक डिज़ाइन में एक आप इसको मतलब इससे पहले आपने ऐसे स्पीकर जो हैं वो शायद किसी नॉर्मल मॉडल में ना देखे हों। तो ये है, ये इसमें देखें आप यहाँ पर ब्रांडिंग हुई है Core i7 8th generation। इसकी स्पेक्स के बारे में हम अभी इसको ऑन करके बात करेंगे डिटेल में। तो ये हमारे पास 15 इंच का IPS डिस्प्ले है इस और 60 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले है ये। इसमें जो है आप 144 हर्ट्ज़ की भी बाय कर सकते हैं और इसके अलावा हमारे पास इसके 4K का ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। इसकी प्राइस के बारे में जो है हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे डिटेल में। और ये आप देख सकते हैं इसमें जो ये वाइट कलर जो है ये एक्चुअली कोई इसकी बैक लाइट पर कोई लाइट नहीं चल रही, ये जेन्युइन इसका जो है वाइट है। इसकी लाइट अभी ऑन होगी तो उसके बाद आपको ये मज़ीद ब्राइट लगेगा। तो इसमें जो है ये वाइट के अलावा जो है एक और कलर आता है ग्रीन कलर, उसमें जो ये जो वाइट आपको नज़र आ रहा है कीज़, ये वाइट के बजाय उसमें ग्रीन होंगी। और ये जो HP का लोगो जो पीछे वाइट बना हुआ है, तो इस ये जो लोगो है वो भी उसमें जो है वो ग्रीन कलर का होता है।
तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये सिर्फ यही वाला मॉडल मौजूद था, तो हमने फ़िलहाल हम ये वाइट वाले मॉडल की बात करेंगे। तो चलें इस लैपटॉप को ऑन करते हैं और देखते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो क्या क्या है इसमें मौजूद है। ये देखें, ये मेरे ऑन करते ही इसमें अब लाइट जल गई। अब जो है ये जो इसकी जो लाइटिंग है वो बेसिकली वाइट बैक लाइट में है, और इसके कीबोर्ड के अंदर जो है वो जैपनीज़ भी लिखी हुई है साथ। तो ये जो है हमारे पास लैपटॉप आ गया हमारा। तो आप ये देख सकते हैं क्योंकि इसमें SSD M2 की हार्ड है, और आपको शायद पता ही होगा कि SSD जो जिन लैपटॉप में होती है उसमें जो है वो लैपटॉप फ़ौरन ही बूट हो जाते हैं। मतलब मैंने सिर्फ इसको जस्ट पावर का बटन प्रेस किया और ये फ़ौरन ही बूट अप हो गया। तो चलिए मैं इस लैपटॉप को पहले टेस्ट कर लेता हूँ, और फिर मैं आपको एक इसको मैं वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ और इसमें कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करता हूँ, फिर इसके बाद हम इसकी परफॉर्मेंस और स्पेक्स के बारे में बात करते हैं। तो मैंने इस लैपटॉप को जो है वो हर तरह से अच्छी तरह से टेस्ट कर लिया है। तो चले सबसे पहले मैं आपको स्पेक्स के बारे में बताता चलूँ कि जैसे कि ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था ये कोर i7 8th जनरेशन का इसमें प्रोसेसर है, और 6 कोर इसमें यानी हेक्सा कोर के साथ जो आता है इसमें 12 लॉजिकल प्रोसेसर लगे हुए हैं। उसके अलावा इस लैपटॉप का मॉडल आप देख सकते हैं, ये है HP पिविलियन गेमिंग लैपटॉप है 15, और आगे इसकी सीरीज़ का नंबर लिखा हुआ है। उसके अलावा इसमें विंडोज़ 10 जो है वो बाई डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल आती है, और इसके अलावा आप ये देख सकते हैं इसमें 16 GB की जो है वो रैम है, और मजीद इसकी स्पेक्स यहाँ पे देख सकते हैं हम। ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो है जो कैशे है वो 9 MB कैशे है, जैसे कि आप देख सकते हैं L3 9 MB, और जो L2 है वो 1.5 MB, जो कि बहुत ही अच्छी स्पेक्स, जो अगर कैशे आपकी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही लैपटॉप की परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा CPU जो है वो 2% यूज़ हो रहा है, इसको हम यहाँ से मिनिमाइज़ करते हैं। और इसके अलावा हम इसको यहाँ से इसका GPU अगर मैं आपको बताता चलूँ, तो इसमें 2 GPU ग्राफिक कार्ड जो है वो यूज़ किए गए। एक तो इंटेल का बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो USD ग्राफिक 630 इसमें लगा हुआ है, और इसके अलावा इसमें जो है NVIDIA का GeForce GTX 1050 Ti जो है ये है कार्ड लगा हुआ है, और ये है इसमें 4 GB का प्रोसेसर है, सॉरी 4 GB का इसमें GPU है। तो यानी आप गेमिंग की तरफ से जो है वो इसमें बिल्कुल बेफिक्र हो सकते हैं कि आप किसी भी तकरीबन इसमें हर गेम जो है वो मीडियम से लेकर अल्ट्रा हाई हाई पे कुछ मीडियम पे जो है वो आराम से जो है वो चल जाएंगी। और इसके अलावा ये जैसे कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था, इसमें 12 जो है लॉजिकल प्रोसेसर इसमें जैसे कि लगे हुए हैं, 6 कोर के साथ ही आता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर बंद करते हैं। डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो दोस्तों शायद आपको इस वीडियो में डिस्प्ले इतनी अच्छी खास नज़र ना आ रही हो, लेकिन डिस्प्ले इसकी जो है वो बहुत ही मतलब मैं बहुत अच्छी तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ही एवरेज जो है वो डिस्प्ले है, मतलब अच्छी डिस्प्ले है। जैसे कि मैंने बताया था ये मेरे पास 60 Hz वाला जो है वो मॉडल है, इसमें 144 Hz और 4K वाला भी आता है। तो मैं डिस्प्ले की अगर आपको कुछ वीडियो प्ले करके दिखा सकूँ, तो यहाँ पर हम इसके डिस्प्ले का रिज़ल्ट भी चेक कर लेते हैं। मैंने एक वीडियो एक यूट्यूब से डाउनलोड की है, तो ये आप देखें इसके कलर वगैरह, जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत ही मतलब अच्छे कलर इसके ये जो दे रहा है, सिर्फ 60 Hz की डिस्प्ले इसमें, तो 144 Hz और 4K वाला मॉडल भी इसमें अवेलेबल है। अगर आपको बहुत ही अच्छी डिस्प्ले चाहिए तो आप उस वेरिएंट की तरफ भी जा सकते हैं। और ये IPS डिस्प्ले है, यानी अगर आप इसको साइड से भी देखेंगे तो आपको जो है वो क्लियर व्यू बिल्कुल नज़र आएगा। ये देखें, चलिए इसकी जो प्रोमिनेंट स्पीकर जो इसमें दिए गए हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि नहायत ही खूबसूरत डिज़ाइन का स्पीकर इसका जो ग्रिल बनाई गई है। तो चलिए इसके स्पीकर की परफॉर्मेंस जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने स्पीकर इसका टेस्ट किया है, तो इसकी स्पीकर की आवाज़ इतनी ज़्यादा लाउड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी कमरे में बैठे हों तो आपको बहुत ही लाउड सुनाई देगी, लेकिन इसकी इसके अंदर स्पीकर के लिए जो है वो आपको अलग से एक डेडिकेटेड मेन्यू भी दिया गया है कि आप वहाँ पर जाके इसकी बेस ट्रिबल वगैरह हर चीज़ जो है वो उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो आपको इसको आप सेट कर सकते हैं, कोई भी बेस ट्रिबल। और इसके अलावा अगर मैं आपको इसका साउंड सुना सकूं तो शायद आपको इसमें आइडिया हो जाए। तो ये मैंने एक साउंड को के रखा है, मैं आपको साउंड इसका चेक करवा देता हूँ।
तो ये था दोस्तों उसका साउंड क्वालिटी, जो कि बहुत ही मतलब इतनी बुरी क्वालिटी नहीं है, मतलब अच्छी खासी इसकी आवाज़ है। और इसके अलावा अगर हम इसकी बैटरी की बात कर ली जाए, तो इस लैपटॉप का अगर आप फुल बेस्ट परफॉर्मेंस करके अगर आप इसमें मल्टीमीडिया पे यूज़ करते हैं तो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे, और अगर आप इसको थोड़ा सा लो करके यूज़ करेंगे बेस्ट बैटरी पे, तो ये तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे तक भी बैटरी चली जाती है। और अगर आप बेस्ट परफॉर्मेंस पे, जाहिर है गेमिंग अगर आप करेंगे तो वो तो बेस्ट परफॉर्मेंस पे ही करेंगे, तो गेमिंग के अंदर जो इसकी बैटरी है वो इतनी ख़ास आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। आप तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट 1 घंटा 10 1 घंटा 20 मिनट 1 घंटा 30 मिनट के करीब जो है इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस पे जो है वो इसकी बैटरी लाइफ है। तो ओवरऑल जो है वो लैपटॉप, इसकी अगर हम प्राइस की बात कर ली जाए, प्राइस से पहले सॉरी, मैं आपको इसका माउस पैड जो है वो दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही स्लीक है और ये वर्क करने में बहुत ही स्मूथ है। और हर चीज़ इसकी जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें ये एक स्टील का जो है इन्होंने एक मेटल लुक जो है वो इसकी बॉर्डर बनाया है, जो कि बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। तो उसके अलावा इसके जो कीबोर्ड है उसकी ये लाइट्स जो हैं वो ये इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं, ये ऑफ़ और ये ऑन। तो और ये हमारे पास इसकी ब्रांडिंग है Core i7 8th generation। तो ओवरऑल इस लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस है वो तो ज़बरदस्त है। मैंने इस लैपटॉप में तकरीबन अडोब के सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो डाउनलोड कर लिए हैं इस वक्त। इसमें मैंने अडोब फोटोशॉप भी कर लिया, अडोब ड्रीम व्यूवर भी कर लिया, अडोब प्रीमियर प्रो भी किया हुआ है। इसके अलावा मैंने इसमें एंड्रॉयड स्टूडियो भी कर लिया है, एक्सप्लिट का ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर भी किया हुआ है, और पबजी मोबाइल भी मैंने इसमें की हुई है। और इसके अलावा तकरीबन हर किस्म का ग्राफिक सॉफ्टवेयर मैंने इसमें डाउनलोड कर लिया है और इंस्टॉल किया है, और उसके बावजूद भी ये लैपटॉप जो है वो बिल्कुल किसी किस्म की कोई इसमें लैगिंग नहीं है, कोई इसमें जीपीयू का कोई मसला नहीं है, मतलब हर चीज़ जो है वो परफेक्ट जो है वो है। तो यानी परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है वो लैपटॉप ये है जो एक अच्छा लैपटॉप है। तो चलें हम मेन पॉइंट पे आते हैं, इस लैपटॉप की प्राइस की बात करते हैं। तो प्राइस दोस्तों इसकी है तकरीबन 1,60,000 पाकिस्तानी रुपीज़। और अगर आपने एक गेमिंग लैपटॉप ख़रीदना है, बजट लैपटॉप, न्यू की मैं बात कर रहा हूँ, यूज़ की नहीं, अगर आपने न्यू लैपटॉप ख़रीदना है तो ये जो है इस वक्त जो है वो सबसे जो है तकरीबन नॉर्मल प्राइस रेंज में जो है ये एक अच्छा लैपटॉप है। जिस लास्ट में इस लैपटॉप की फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करके इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये मॉडल इसका है HP Pavilion Gaming 15, और इसमें IPS पैनल आता है 1080x1920 का, इसमें रेजोल्यूशन है 60Hz की, इसमें डिस्प्ले इस वक्त लगी हुई है, लेकिन अगर आप इसमें ऑप्शनल 144Hz और 4K भी लगवा की ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान में ये ऑप्शन अवेलेबल होगी। तो प्रोसेसर की बात कर ली जाए तो उसमें 2.2 GHz 6 कोर्स के साथ 9 MB कैशे वाला 8th generation इंटेल Core i7 का प्रोसेसर है। 16 GB इसमें रैम है, जो कि 32 GB तक आप करवा सकते हैं इसको। GPU ग्राफिक कार्ड की बात करी जाए तो इसमें 4 GB का NVIDIA GTX 1050 Ti ग्राफिक कार्ड है, जो कि तकरीबन हर किस्म की गेमिंग चलाने के लिए इनफ है। उस पर बहस हो सकती है कि आप उसको HD में चलाएं, अल्ट्रा सेटिंग में चलाते हैं या मीडियम सेटिंग पे। उसके अलावा 1 TB की हार्ड ड्राइव है इसमें, 128 GB की SSD है, और इसकी जो प्राइस है वो पाकिस्तान में 160K है, 160K 1,60,000, और अमेरिका में US में इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन $1,000 है, और $1,000 में ये 9th generation के साथ वहाँ पे आता है, जबकि यहाँ पे ये 160K में 8th generation के साथ है। तो आपको ये लैपटॉप कैसा लगा आप कमेंट में ज़रा बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि इस लैपटॉप की प्राइस जो है वो ज़्यादा है या ठीक है इसकी स्पेक्स के लिहाज से। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लास्ट में आपको एक दफ़ा फिर इसका चार्जर जो है मैं दिखाता चलूँ, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा इसका चार्जर जो है वो बहुत पसंद आया है, जो बिल्कुल एक पावर बैंक की तरह जो है वो लगता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।